26 तारीख के शाम को पानी सागर बाजार में विश्व हिंदू परिषद का एक मिचिल था, तो वहाँ पे मिचिल के बाद रुआ एक गांव है हमारे पानी सागर में, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, वाकराव हुआ, कुछ घर को तोड़फोड़ किया गया, एक मकान में आग यानी हम लोगों ने देखे हैं। तो उस जो कांड हुआ उसका कोई जात पात का उसमें कुछ नहीं था, लेकिन अभी कल तक उसको ऐसा एक रंग हम देख रहे हैं, खास करके सोशल मीडिया में पूरा चला रहा है, जो त्रिपुरा में हिंदू लोगों का ऊपर कुछ हो रहा है, कुछ लोग चला रहा है, मुसलमान के लोगों के ऊपर कुछ चल रहा है। वास्तव में आप भी त्रिपुरा का पत्रकार हो, आपको भी पता है पानी सागर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा त्रिपुरा में हिंदू और मुस्लिम के ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हो फेक है। कल पुलिस भी उसके लिए संज्ञान में लिया है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, जो कुछ कुछ लोग फेक आईडी से तहत वो काम चलवा रहा है, पूरा एक भ्रम फैला रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। और पानी सागर में जो कांड हुआ है वो दुखद है, हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम उसको निंदा करते हैं। सीएम साहब बहुत सख्त है, आप लोगों ने देखा है इस बार दुर्गा पूजा का जो विजयादशमी हुआ है, उन्होंने सब धर्म का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, सबके साथ, इतना आम जनता के साथ भी उन्होंने शुभेच्छा विनिमय किया है। तो एक भाईचारा का मंत्र लेके हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेके और सबका प्रयास से हम चल रहे हैं। माननीय मोदी जी का जो मंत्र है उसी मंत्र को आगे ले जा रहा है हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी। किंतु कल जो रंग दिखा रहा है, एक मस्जिद को बांट किया है, एक मस्जिद को जला दिया, ऐसा कोई मस्जिद को जलाया नहीं है, फेक न्यूज फैला रहा है। वहां पे कल एसडीएम डीएम को माननीय मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव जी ने वहां भेजे है, वहां पे कितने लोगों को, मुसलमान हो, हिंदू हो, कितने लोगों को घर का नष्ट हुआ, कि मकान का नुकसान हुआ, दुकान का नुकसान हुआ, सबका जायजा लिया गया। जितने माइनॉरिटीज लोगों का मस्जिद हो, जो भी हो, जितना नुकसान हुआ, माननीय मुख्यमंत्री बोला है उसका डिजास्टर मैनेजमेंट से 100% हम लोग भरपाई करेंगे। ऐसे हमारा सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री वो करते हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से पूरा जनता को मैं आश्वस्त करता हूँ, मेरे नागरिक को मैं आश्वस्त करता हूँ, हमारे स्टेट का हो, बाहर का हो, हमारी सरकार को, हमारे राज्य का लोगों को बदनाम करने के लिए बाहर का कुछ तत्व होगा, उसका कोशिश कर रहे हैं, उसका दूध का दूध पानी का पानी प्रशासन करेंगे। और आज भी हम लोगों ने एक टीम भेजा है, हमारा एमएलए भी वहाँ पे एक बाइट दिया है, जो कुछ होगा सबका, हम जो भी कर किया है किसी को हम छोड़ेंगे नहीं है, ऐसा एनआरके हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिस दल का हो, जिस धर्म का हो, किसी को हम बख्शेंगे नहीं है। ये मुख्यमंत्री का दो टूक जवाब है, और ऐसा कोई मस्जिद के ऊपर आग जानी नहीं हुआ है, और ऐसे जो भी हुआ दूसरा कुछ आग दिखा के लोगों को भरका रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हम सबको अपील करते हैं आप भ्रमित ना हो। कल भी सोनामुरा से एक टीम आके, जो नागरिक मंच है, हमारे भाई लोग आके मुझसे मिले हैं, मैंने उन लोगों को सिर्फ दो टूक शब्द से बोला है, माननीय मुख्यमंत्री बहुत सख्त है, उससे उन्होंने दुख प्रकट किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा स्टेट बहुत अच्छे से चल रहे हैं, कुछ लोगों ने उस ऐसा कर रहे हैं। अभी शांति मिसिल से लेके हमारे मुख्यमंत्री, कम्युनिस्ट का जितने एमएलए है, हमारे पार्टी का जितने एमएलए है, दूसरे पार्टी का जो लीडर है, सबको मिलके बात करके उसको सुलझाने का कोशिश कर रहे हैं। और अभी जितने मेरे पास जितना खबर है, वहां पे शांति बैठक भी हो रहा है, मिसिल भी हो रहा है, हमारा विनय भूषण दास जो एमएलए है, विश्वबंधु सेन जो एमएलए है, हमारी सीपीएम का जो मुशर्रफ हुसैन इस्माइल भी है, सब मिलके एक भाईचारा के साथ उसको आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है। मुख्यमंत्री का निर्देश है, सब लोग मान रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सबको साथ रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी कर रहे हैं झूठ फैला रहे हैं, आप झूठ को बर्दाश्त नहीं करना है, आप उसको ऊपर यकीन नहीं करना है। त्रिपुरा में किसी मस्जिद के ऊपर आग जानी नहीं हुआ है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, पूरा दायित्व लेके बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दो चार घर नष्ट हुआ है, दो चार दुकान नष्ट हुआ है, उसको जितना भी
खर्चा लागे, डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत हमारी सरकार उसको बिल्ड करेंगे, तैयार करके देंगे। और हमारे माइनॉरिटी मोर्चा का लोग भी उधर गए हैं, तो हम सबसे अपील करते हैं जो झूठ फैला रहे हैं उसको यकीन नहीं करना है। पूरा एक इंसिडेंट हुआ है और कुछ नहीं है, और उसमें जो लोग शामिल है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको अरेस्ट किया जाएगा। जो जो करना है सब सरकार करेंगे, वही मेरे आप सबसे विनती है। त्रिपुरा में किसी मस्जिद के ऊपर आग नहीं लगाया है, दूसरा कुछ देखा के सोशल मीडिया में उसको कर रहे हैं, फैला रहे हैं, उसको भी सोशल मीडिया का कौन लोगों ने कौन आईडी से फेक आईडी से कर रहे हैं, हम सब उसको पता लगा रहे हैं, सबका जांच पड़ताल होगा। सब्सक्राइब टू त्रिपुरा इन्फो एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नेवर मिस एनी लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज ऑन त्रिपुरा।